कश्मीर घाटी के हाजीपीर आर्मी गुडविल स्कूल त्रेगाम में पहली बार पूर्व छात्रों द्वारा एल्युमिनी मीट मनाया गया। छात्रों की घर वापसी को बड़े जोश खरोश के साथ मनाया गया। स्कूल को पहले और सबसे पुराने आर्मी गुडविल स्कूल में से एक होने का श्रेय प्राप्त है। इसकी औपचारिक स्थापना जून 1986 को त्रेगाम आर्मी कैंप में हुई। स्कूल को हाल ही में इंद्राणी बालन फाउंडेशन पुणे ने गोद लिया है। स्कूल और पूर्व छात्रों को जोड़ने की दृष्टि से स्कूल परिसर में एक पूर्व छात्र बैठक का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस उत्सव में 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों ने भाग लिया। वहीं कक्षा 6 के छात्राओं ने स्वागत नृत्य व कक्षा 8वीं के छात्राओं ने कश्मीरी नृत्य पेश किया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के अंतर्गत पढ़ने वाले केलम का राजकीय डिग्री कॉलेज अब शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ डार डिग्री कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश सरकार ने शनिवार को औपचारिक रूप से डिग्री कॉलेज का नामकरण शहीद इंस्पेक्टर के नाम पर कर दिया है। प्रदेश सरकार ने बीते सप्ताह ही पूरे प्रदेश में 76 शिक्षण संस्थानों का नामकरण शहीद पुलिस कर्मियों के नाम करने का फैसला लिया था। आतंकी हिंसा पर काबू पाने और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए घाटी में तैनात किए गए 5000 अतिरिक्त अर्धसैनिकों बलों की आवासीय सुविधा पर सियासी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती व श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीम मट्टू ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग के बाद आतंकियों के खिलाफ अभियान को और तेज गति देने के लिए 50 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। सांबा के औद्योगिक क्षेत्र के फेस एक में बीती देर शाम आग लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे सांबा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। पुंछ के भाटादूरिया में आतंकियों की घेराबंदी के बीच रजौरी के थाना मंडी में आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। बीते दिन तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग की। थाना मंडी के खबला इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। वहीं मुठभेड़ के तुरंत बाद खावला के जंगलों में पैरा कमांडो उतारे गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश प्रशासन को टीकाकरण को गति देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि रक्षा की मुख्य पंक्ति अब टीकाकरण है और टीकाकरण को गति देने के लिए पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है। कोरोना से निपटने के लिए जिला योजना में महत्वपूर्ण परीक्षण ट्रेस एंड आइसोलेट तंत्र को मजबूत बनाया जाएगा। जम्मू में त्योहारी और शादियों के सीजन में कोविड एसओपी की धज्जियां उड़ाने का असर दिखने लगा है। जम्मू के सरवाल और संजय नगर इलाके में एक एक परिवार के 5-5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। त्योहारी सीजन के बाद आगामी हफ्तों में कोविड संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान, मास्क पहनने के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बिना वजह जाने से परहेज करना होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर ने कहा कि देश में हाल ही में हुए उपचुनाव की तर्ज पर जम्मू कश्मीर की जनता अहंकारी भाजपा को आगामी चुनाव में अपने वोट से दंड देगी। जनता की मार से बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने को मजबूर हुई है। जम्मू पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पर चर्चा की गई। खालिस्तानी आतंकवादियों पर शिकंजा कसने के मकसद से एनआईए ने की 3 सदस्यीय टीम सिख फॉर जस्टिस और अन्य खालिस्तानी समर्थकों के लिए फंडिंग मार्गों की जांच के लिए कनाडा पहुंची। ये टीम कनाडा के विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठकें कर रही है। एनआईए ने कनाडा पुलिस को खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों के खिलाफ डोजियर भी सौंपा है। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई है, बल्कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में मोदी अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ गए हैं। मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए।